ये कहानी है साहिब आबाद की, जहाँ शाइस्ता नाम की एक नेक औरत रहा करती थी, जिसका एक बेटा था आलिम, जो बहुत ही शरारती था, जिसकी शरारत से पूरे घर में खुशी का माहौल रहता था। शाइस्ता के शोहर राहिल एक प्राइवेट स्टूडियो में काम किया करते थे। रमजान का पाक महीना आने वाला था, चारों तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ थी। अम्मी जान, मैं भी इस बार रोजा रखूँगा। नहीं बेटा, अभी तुम बहुत छोटी हो, तुम अभी नहीं रख सकते। अम्मी जान, एक दिन का भी नहीं रख सकता। नहीं बेटा, तुम अभी बहुत छोटे हो, जब तुम बड़े हो जाओगी तो रोजा रख लेना। अम्मी जान, नहीं, अम्मी जान मुझे भी रोजा रखना है। शाम का टाइम था, राहिल अपने ऑफिस से वापस घर आता है, तो वो क्या देखता है कि शाइस्ता आलिम को डांट रही होती है। अगर तुमने पोटी की तो मैं तुम्हें कूट डालूंगी, हर तरफ पोटी करते रहते हो, कभी कभी तो तुम्हें पोटी आती है, कभी कभी दो तीन दिन तक पोटी नहीं आती है। या अल्लाह, मैं क्या करूँ इस लड़की का। राहिल ये सब कुछ दरवाजे से खड़ा हुआ देख रहा था और वो अंदर आता है। अरे शाइस्ता, तुम मेरे बेटे को हर वक्त डांटती क्यों रहती हो, कभी प्यार से भी बात कर लिया करो। आपको क्या पता है जी, ये मुझे कितना परेशान करता है और कितना शरारती है ये लड़का। हाँ मुझे पता है, चलो भाई झगड़ा छोड़ो, मेरे बुढ़ापे का तू सहारा, मेरे आँखों का तू सितारा, मेरे सारे काम तू करना, ऊँचा मेरा नाम करना, तुझे मेरा नाम मिला है तो बिल्कुल मेरे जैसा है। बाबा गाना नहीं गाती, जो बच्चा गाना गाता है उसे अल्लाह बहुत बुरा मानता है। अच्छा बाबा, नहीं गाऊंगा। बाबा मेरे लिए एक चीज लेकर आए। ओहो सॉरी बेटा, चलो अब चलते हैं चीज लेने। ये मेरे अब्बू जान तो बहुत अच्छे हैं, मेरी अम्मी जान तो बहुत गंजी है, मुझे हर वक्त डांटती रहती है। नहीं बेटा ऐसा नहीं कहते, अम्मी जान भी अच्छी है और बाबा जान भी अच्छे ही है। देख लो जी इसकी हरकतें, जरा सा है दिन भर मुझे तंग करता रहता है, मेरे साथ रहता है और तरफदारी आपकी करता है। आखिर बेटा किसका है। इतना कहकर राहिल और आलिम दुकान पर चीज लेने जाते हैं और चीज लेकर घर वापस भी आ जाते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं, रमजान का पाक महीना शुरू हो जाता है। अच्छा तो मैं चलता हूँ, आज शाम को फल फ्रूट लेकर आऊँगा, शाम को मेरे लिए पकौड़ियाँ जरूर बनाना और शिकंजी भी। हाँ मुझे पता है आपको पकौड़ियाँ बहुत पसंद है। सही कहा आपने। अच्छा तो चलो मैं काम पर जा रहा हूँ, आलिम और अपना ख्याल रखना। ध्यान से जाइएगा, खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। रमजान का पहला रोजा था, शाइस्ता किचन में पकौड़ियाँ बना रही थी। अम्मी जान मुझे भी एक पकौड़ी दो ना। बेटा अभी नहीं, जब रोजा खोलेंगे तभी तुम भी ले लेना। अम्मी जान मुझे दीजिए ना। अरे बेटा जाओ, मुझे परेशान ना करो, अभी मुझे फल फ्रूट भी काटने हैं, अजान का वक्त होने वाला है, तुम्हारे अब्बा भी अभी नहीं आए हैं जो तुम्हें संभाल ले। जाओ जाकर गली में खेलो, मुझे परेशान ना करो, ताकि मैं सुकून से अपना काम कर सकूं। देखो ना बच्चे खेल रहे हैं, जाओ उनके साथ जाकर खेलो। शाइस्ता आलिम को बाहर गली में बच्चों के साथ खेलने के लिए खड़ा कर देती है। यही खेलना, कहीं नहीं जाना बेटा। ठीक है अम्मी जान। फिर से शाइस्ता अपने काम में व्यस्त हो जाती है। या अल्लाह अजान का वक्त होने वाला है, अभी तक सामान तैयार नहीं हुआ, कैसे करूंगी अकेले। इनकी अम्मी होती तो थोड़ा काम में हाथ बटा देती, लेकिन इनका जॉब होने के कारण हमें यहाँ रहना पड़ा। शाइस्ता काम में व्यस्त होती है, उधर बाहर आलिम बच्चों के साथ खेल रहा होता है, तभी सभी बच्चे अचानक इधर उधर चले जाते हैं। आलिम गली के बाहर निकलता हुआ बाजार में पहुँच जाता है। ये मैं कहाँ आ गया, मेरे घर पहुंचा दे, मैं अपने घर से बहुत दूर निकल आया हूं, मुझे अपने घर का पता भी नहीं पता है, अब मैं घर कैसे जाऊंगा। उधर शाइस्ता काम से जब फ्री होती है तो वो क्या देखती है कि आलिम गली में नहीं है। या अल्लाह मेरा बेटा कहाँ गया। वो इधर उधर देखती है लेकिन गली में कोई नहीं दिखता। वो पड़ोस की खाला से पूछती है, क्या आपने मेरे आलिम को कहीं देखा। अरे नहीं नहीं, वो यहाँ नहीं है, हमने उसे नहीं देखा। मैंने आलिम को गली में खड़ा कर दिया था और काम करने में बिजी हो गई थी और मैं उसकी तरफ ध्यान नहीं दे पाई। या अल्लाह आपने अपने बेटे को ऐसे कैसे गली के बाहर खड़ा कर दिया, यहाँ काफी चोर उचक्के घूमते हैं, बच्चों को पकड़ने वाले, आपको ध्यान रखना चाहिए था। अल्लाह रहम करे, बेटा तुम घबराओ नहीं, मैं भी तुम्हारे साथ आलिम को ढूंढने चलती हूँ। शाइस्ता इधर उधर गलियों में घूमती है लेकिन आलिम का कोई पता नहीं चलता। तभी वो बाजार की तरफ जाती है, वहाँ भी आलिम का पता नहीं चलता। सब तरफ खुशी का माहौल था, सब बाजारों में भीड़ थी, इसीलिए आलिम का कुछ भी पता नहीं चल रहा था।
शाइस्ता अपने फोन से राहिल को फोन लगाती है और रो रो कर कहती है, भाजी आप जल्दी घर आ जाइए। क्या? आलिम खो गया है, आलिम मिल नहीं रहा कहीं भी। क्या कह रही हो? इतना सुनकर राहिल के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। राहिल एकदम सुन हो जाता है और जल्दी से ऑफिस से निकलता है। मैडम मैडम मुझे घर जाना होगा, मेरा बेटा खो गया है। अरे क्या, आपका बेटा कैसे खो गया? पता नहीं मैडम, मुझे जाना होगा। ठीक है आप जा सकते हो, जैसा भी हो हमें बता देना। ठीक है मैडम। राहिल जल्दी से घर पहुंचता है और घर पहुंचकर देखता है कि शाइस्ता भी घर पर नहीं है और घर का सामान सब तरफ इधर उधर फैला हुआ होता है। मानो ऐसा लग रहा था कि घर में कोई सन्नाटा सा छा गया हो, जैसे घर की रौनक ही चली गई हो। राहिल शाइस्ता को तुरंत कॉल करता है। हेलो 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 शाइस्ता, कहाँ हो तुम? मैं बाजार में हूँ, आलिम को ढूंढ रही हूँ लेकिन आलिम नहीं मिल रहा। या अल्लाह मैं क्या करूँ? रो नहीं, मैं घर पहुँच रहा हूँ। राहिल घर का दरवाजा बंद करता है और दौड़ता हुआ गली से बाहर निकलता है और हर तरफ बाजार में देखता है लेकिन आलिम का कुछ भी अता पता नहीं चलता। उधर अजान का वक्त भी होने वाला था। भूखे प्याजे रमजान में दोनों माँ बाप अपने बच्चे को ढूंढ रहे थे, हर एक गली हर एक कोना छान मारा लेकिन आलिम का कहीं अता पता नहीं चला। तभी पास के एक पड़ोसी ने कहा, आप अपने बच्चे को मस्जिद में ऐलान कर दीजिए ताकि कोई आलिम को देखे तो मस्जिद तक छोड़ जाए। सही कहा भाईजान आपने, मैं अभी जाता हूँ। राहिल मस्जिद में जाता है और इमाम से कहता है, इमाम साहब मेरा बच्चा खो गया है, मुझे लाउडस्पीकर पर ऐलान करना है ताकि मेरा बच्चा मुझे जल्दी मिल जाए। आप घबराओ नहीं, लेकिन हम अजान से पहले कोई ऐलान नहीं करते क्योंकि ये रमजान की अजान का टाइम है, इसलिए लोग कंफ्यूज हो सकते हैं। तो आप रमजान का रोजा खोलने के बाद ही अपने बच्चे के लिए ऐलान कर दीजिएगा, इंशाल्लाह आपका बेटा जल्दी मिल जाए। राहिल और मायूस हो जाता है क्योंकि जैसे जैसे वक्त बीत रहा था वैसे वैसे उसकी दिल की धड़कन बढ़ रही थी क्योंकि रात होने वाली थी। दोनों माँ बाप मायूस हो जाते हैं और अजान होने का इंतजार करने लगते हैं ताकि मस्जिद में ऐलान लगाकर आलिम को ढूंढा जा सके। दोनों माँ बाप फिर भी इधर उधर देखते हैं लेकिन दोनों के हाथ में मायूसी के सिवा कुछ नहीं लगता। कुछ देर के बाद अल्लाह के घर से अजान की आवाज़ आने लगती है, सब लोग रोजा खोलने लगते हैं लेकिन राहिल और शाइस्ता रोजा नहीं खोलते। उनके आंसू का दर्द सिवाय अल्लाह के कोई नहीं समझने वाला था। वो रो रो कर अपने बेटे के लिए दुआ करते हैं, या अल्लाह मेरी बेटी को मुझसे मिला दे, उसके बिना मैं नहीं जी पाऊंगी, मैं अब कभी अपनी बेटी को नहीं डांटूंगी, कभी नहीं मारूंगी। या अल्लाह हमने अगर कोई भी नेकी की है तो उसके सदके में हमारे बच्चे को हमें वापस कर दे। अजान होने के बाद राहिल फिर से एक बार गली और बाजार में घूमता है, तभी एक दुकानदार से कहता है, भाई साहब आपने किसी छोटे बच्चे को कहीं देखा है क्या? रेड कलर की टी शर्ट और ब्लैक कलर का पैंट पहना है उसने। नहीं भाई हमने तो नहीं देखा। राहिल दौड़ता हुआ मस्जिद जाता है और मौलाना साहब से लाउड स्पीकर पर ऐलान करने के लिए बोलता है, एक बच्चा जिसकी उम्र करीब 2.5 साल है, जिसने लाल रंग की शर्ट और काले रंग का पैंट पहना हुआ है, जिस शख्स को भी मिले वो मस्जिद में छोड़ जाए। इमाम साहब ने ऐलान कर दिया था। तभी राहिल मस्जिद में ही रो रो कर अल्लाह ताला से दुआ कर रहा था कि उसके बेटे को उससे मिला दे। तभी पड़ोस की एक रजिया आंटी आती है, राहिल अरे राहिल तेरा बेटा मिल गया। अब ये आवाज़ राहिल के कान में पड़ती है तो राहिल की खुशी का ठिकाना नहीं था और वो अल्लाह का शुक्रिया अदा करता है। अल्लाह तूने मेरी सुन ली। राहिल दौड़ता हुआ घर पहुंचता है। घर के आगे पड़ोस के कुछ लोग जमा होते हैं और वो देखते हैं कि शाइस्ता आलिम का निक्कर साफ कर रही होती है क्योंकि आलिम ने फिर से पॉटी कर दी होती है। ये देखकर राहिल की हंसी नहीं रुकती, दिल गमगीन और होठों पर हंसी, ऐसा मंजर शायद कभी ही हुआ हो। तभी राहिल शाइस्ता से पूछता है, आलिम कहाँ था और किसे मिला? सामने वाली आंटी की बेटी आरिश भाई है ना, उन्होंने इसे बाजार में देखा। आरिश भाई आलिम को लेकर घर आ गए बिल्कुल हमारे फरिश्ता बनकर। या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, आप अपने बंदों को कहाँ और कैसे फरिश्ता बनाकर भेज देते हैं। या अल्लाह ताला तू बड़ा ही रहीम और करीम है, तू ही बचाने वाला है और तू ही देने वाला है, तू ही बिछड़ों को मिलाने वाला है। तो आपने देखा कि रमजान के महीने में कितनी बरकत होती है, अल्लाह ताला हर किसी की जान और माल की हिफाजत करता है। तो अल्लाह ताला को हमें राजी रखना चाहिए, रमजान के पाक महीने में कुरान और रमजान की कसरत को पढ़ना चाहिए ताकि हम ज्यादा से ज्यादा नेकी कमा सके। और सकबो रमजान आप सभी को मुबारक हो। दोस्तों अगर आपको हमारी ये प्यारी सी कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों से शेयर करें
और कमेंट में रमजान मुबारक लिखकर जरूर भेजें। अल्लाह आपकी सारी दुआएं कबूल करे। आमीन।